तो आज है 19 तारीख और कल 18 तारीख को मैं जब मतलब एज यूजुअल जैसे अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, व्लॉग स्टार्ट करके दिन मेरा ठीक ठाक जा रहा था। एक सेकंड हाफ में एक मेरी मीटिंग शेड्यूल हो गई, काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग था और काफ़ी अच्छा मीटिंग मेरा रहा, बिकॉज़ एक प्रोजेक्ट मैंने फाइनल कर चुका था, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन अपना करना था, वो सारा करके अपन प्लान करके मैं करीब घर से लंच वंच करके 2 या 2:30 बजे निकल गया। अब 2 या 2:30 बजे निकला, वहाँ पे जाके मैं अपने क्लाइंट का, एक शॉपिंग मॉल के कॉफ़ी शॉप में हमारा मीटिंग था, तो मैं क्लाइंट का वेट कर रहा था वहाँ पे। अब वो क्लाइंट वहाँ पे आने से करीब 5 या 10 मिनट पहले मेरे पास एक कॉल आता है, और वो कॉल आता है मेरे कज़न ब्रदर का, मेरे बुआ के बेटे के नंबर से। अभिषेक मिश्रा नाम था, अब ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभिषेक मिश्रा नाम था। तो नॉर्मली हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, मैं रिसीव किया और मैं बोला हाँ बोला, बट वो आवाज़ उसकी नहीं थी, वो आवाज़ थी मेरे भतीजे की, मतलब मेरे अभिषेक के भी जो बड़े भैया हैं, मुन्ना भैया, उनका नाम भी अनिल मिश्रा है। तो मुन्ना भैया के जो बड़े बेटे हैं उसका फ़ोन था वो, और वो मेरे को बोला कि अंकल चाचू नहीं रहे। मतलब कुछ सेकंड के लिए मेरे को विश्वास नहीं हुआ, हाथ पैर मेरा कांपने लगा कि यार क्या हुआ, बिकॉज अभिषेक मेरे एज का था और हम लोग काफ़ी मस्ती किए एक टाइम पे, बिकॉज मैं जब फर्स्ट टाइम कोलकाता आया था अभिषेक ही था जो मेरे को कोलकाता घुमाता था। हम लोग एक साथ निकलते थे, कालीघाट जाना, फिर ग्रैंड ओबेरॉय होटल के पास अपने दोस्तों से मिलना, फिर गड़िया में, उस वक्त मेरे कुछ क्लासमेट रहते थे यहाँ पे, आके गड़िया में उनके साथ मिलना, काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गया है वहाँ पे। तो ये न्यूज़ मेरे को शॉक कर दिया, और चूंकि मेरा उस वक्त ऑलरेडी क्लाइंट भी आ गए थे, तो मैं क्लाइंट के सामने कुछ नहीं बोला, अपना मीटिंग किसी भी तरीके से आधे घंटे में रैप करके क्लाइंट को बताया कि ऐसा ऐसा केस है। तो वो भी मेरे एक मतलब क्लोज फ्रेंड ही है, वो बोले कि अनिल जी आप तुरंत निकलिए, अपना डिस्कशन जितना था हो गया, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। मतलब ये एक ऐसा न्यूज़ है, और मतलब हमारे पूरे परिवार को, वो मेरी अपनी बुआ के सबसे छोटे बेटे हैं, और मतलब इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आप आज हो कल आप रहोगे या क्या होगा, सारा कुछ ऊपर से लिख के आया हुआ है। तो और ये मैं सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ एक क्लिप्स अभी डाल भी रहा हूँ उस पर, जो भी मेरे जानने पहचानने वाले हैं, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो लोग मेरा ये व्लॉग देखते हैं या फिर मेरे दोस्त यार जो भी, बस आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मेरे उस भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिए। और जाते जाते वो एक छोटे से बच्चे को छोड़ के गया है, जिसको देख के मतलब अब ज़्यादा मैं कुछ इस पर बोलूँगा नहीं, मैं थोड़ा सा उसकी अंतिम यात्रा का जो वीडियो है वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ताकि जो लोग भी दर्शन कर लें। बहुत सारे लोग, इतने शॉर्ट टाइम में ये हुआ है कि बहुत सारे घर के फैमिली मेम्बर का आना नहीं हुआ, और कोई भी उनके अंतिम संस्कार के वक्त, वैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा फैमिली क्या है ना, थोड़ा सा बिखरा है, सारे लोग कोलकाता में नहीं है, कुछ लोग बिहार में हैं, कुछ लोग कहीं और है, कुछ लोग कहीं और है, तो इतना शॉर्ट नोटिस में आना इम्पॉसिबल था सारे लोगों पर। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उनके अंतिम संस्कार में पार्ट ले सको तो ये अच्छा रहेगा। देखने का निकल खा से
अभी भी मैं कुछ फोटोग्राफ्स जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से निकाल के दिया था, वो फोटोग्राफ्स देख के विश्वास नहीं होता है कि नहीं हमारे बीच। और वो अक्सर 9 बजे मेरा ब्लॉग देखा करते हैं।